हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पर बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए, ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। इसे खाने से बच्चों का वज़न बढ़ेगा और बच्चा इसे आपसे बार बार में मांग कर खाएगा। तो अगर आप इस तरह से फूड बदल बदल कर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को इसका स्वाद काफ़ी पसंद आएगा। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा पैकेट सफोला मसाला ओट्स का लिया है। तो ये स्वाद में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है और इसे आप झटपट से 3 से 4 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका स्वाद भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे ऊपर से कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पर अलग बाउल में निकाल लिया है और दिखने में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं और मैं इसे यहाँ पर पूरा बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसे डाल देंगे और इसे घी के साथ में मिक्स करते हुए चटकने देंगे 4 से 5 सेकंड के लिए। तो जीरा हमारा यहाँ पर हल्का चटक गया है। अब हम ले रहे हैं 1 छोटे साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक। आप चाहें तो इस समय जो भी सीजनेबल जो सब्जियाँ होती हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली या फिर टमाटर भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसी समय पर अब इसमें हम ऐड कर देंगे ओट्स, इसे डाल देंगे और इसे सभी चीज़ों के साथ में मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 बड़ा गिलास भरकर पानी हम कढ़ाई में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसे एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है और अब इसे हम ढक देंगे और ढककर इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और बीच बीच में चम्मच चलाकर हम इसे चेक कर लेंगे। तो फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हल्का हल्का ये फूलने भी लग गया है, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। तो बस इसी तरह से हमें इसे और पका लेना है। तो फूड की कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर आप चाहें तो इसे पतला रख सकते हैं, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए आप इसे गाढ़ा बनाकर भी खिला सकते हैं। तो अब इसे हम फिर से ढक देंगे और इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे पकाते हुए लगभग मुझे 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं, ये देखिए। और इसमें हमने किसी भी मसाले को ऐड नहीं किया है क्योंकि जो ओट्स है इसमें हल्का सा मसाला पहले से ही मिला हुआ है। तो बस अभी हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है और अभी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए डियर पेरेंट्स, बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी और इसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। यकीन मानिए, इस तरह से आप ये फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और इसे बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वाद लेकर खाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप इसे अपने बच्चों के लिए। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।